हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 साइंस के कुछ चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 11 एंड 12। तो इन चैप्टर्स से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एमसीक्यूज एंड फिर इन द ब्लैंक्स। सो आई होप आप लोग सब कोई रिवाइज करके आए हैं सो दैट आज के सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से आंसर कर सकें। ठीक है, अपना आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चंस, वैसे वैसे आप अपने आंसर्स स्क्रीन में देखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं वेदर आपने उसको सही लिखा है या नहीं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, इनमें से कौन सा एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन 1 मिल्क, ऑप्शन 2 दैट इज रेडिश, ऑप्शन 3 इज एप्पल एंड ऑप्शन 4 इज ऑनियन। तो मिल्क, रेडिश, एप्पल, ऑनियन, इनमें से कौन सा सब्सटेंस एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सोचिए और समझकर अच्छे से इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो एनिमल प्रोडक्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, फूड एंड इट्स सोर्सेज, वहाँ पर हम लोग को ये सब बताया गया था कि कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं और कौन से प्लांट्स से हमें ऑब्टेन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 1 में कंप्लीट कर लिया है, पढ़ चुके हैं हम लोग, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी है। सो आई गेस अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा, सो लेट मी डिस्कस द आंसर विथ यू। सो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन दैट इज मिल्क। मिल्क इज़ द एनिमल प्रोडक्ट हियर, रेडिश, एप्पल, ऑनियन ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये सब एनिमल से ऑब्टेन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू हैव रिटन ऑप्शन नंबर ए मिल्क, देन योर आंसर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं, लेट अस राइट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन 2 इज An example of a parasite is first green plant, second mushroom, थर्ड प्लाज्मोडियम एंड फोर्थ जैकल। ओके, सो आपको एक पैरासाइट का एग्जाम्पल सर्च करके, खोज कर, सिलेक्ट करके लिखना है अपने कमेंट सेक्शन में। मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन सा पैरासाइट है, ग्रीन प्लांट, मशरूम, प्लाज्मोडियम और जैकल। ग्रीन प्लांट क्या पैरासाइट होता है, या मशरूम पैरासाइट होता है, या प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, या जैकल एक पैरासाइट है, आपको सोचना है और बताना है। ओके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको क्विकली अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड एवरी वन हैज़ टू आंसर। जितने लोग हैं अभी जो इस क्लास को देख रहे हैं, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिखिए एंड जैसे ही आंसर डिस्कस होगा वेरीफाई वेदर यू हैव रिटन इट करेक्टली और नॉट। ओके, ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी प्लाज्मोडियम, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ पैरासाइट। अगर आपने ग्रीन प्लांट लिखा है तो देन इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफ, वो प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आता है। मशरूम सैप्रोफाइट के कैटेगरी में आता है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। एंड जैकल जो है वो आपके स्कैवेंजर्स के ग्रुप में आएगा, बट प्लाज्मोडियम इज़ द पैरासाइट विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 नाउ ऑन योर स्क्रीन, आई जस्ट राइट द क्वेश्चन फॉर यू। ओके,
फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, इट्स नॉट अ एम सी क्यू, इट इज अ फिल इन द ब्लैंक. सो द क्वेश्चन इज डैश इज अ ड्राइड फ्लावर बड, ओके, विच इज अ स्पाइस, विच इज अ स्पाइस के जगह विच इज एन एडिबल स्पाइस. ओके, आई होप नाउ द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली विजिबल टू यू कि ऐसा क्या है जो एक ड्राइड फ्लावर बड है, जो एक तरीके का एडिबल स्पाइस है, एक तरीके का वो मसाले की कैटेगरी में आता है, स्पाइस के कैटेगरी में आता है और उसको हम कंज्यूम करते हैं, बट वो एक तरीके का ड्राइड फ्लावर बड है. उसका नाम आपको सोचकर इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है. तो आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, प्लीज़ राइट दैट, सो दैट व्हेन आई राइट द आंसर यू कैन वेरीफाई वेदर यू हैव रिटन इट करेक्टली और नॉट. चलिए फटाफट से बताइए व्हाट शुड बी योर आंसर, क्या आंसर होना चाहिए, तुरंत बताइए. ओके, चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं. आंसर इसका है क्लोव, ठीक है, क्लोव इसका आंसर है, मतलब लौंग जिसको हम कहते हैं हिंदी में. सो क्लोव इज अ काइंड ऑफ अ ड्राइड फ्लावर बड विच इज एन एडिबल स्पाइस, राइट. चलिए, आई होप अगर आपने क्लोव लिखा है तो देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर क्लोव के अलावा कुछ है तो देन वो करेक्ट नहीं होगा. क्लोव एक तरीके का एडिबल स्पाइस होता है जो ड्राइड फ्लावर बड के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं उसको. ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिल इन द ब्लैंक है. ओके, सो आपको बताना है, यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक. The rearing of fishes on a large scale is known as dash. आपको बताना है कि fishes के rearing को, जो कि large scale पे होता है, उसके रियरिंग को हम क्या कहते हैं. वॉट इज़ वन टर्म दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रियरिंग ऑफ फिशेज ऑन अ लार्ज स्केल. अगर आपको ये पता है तो फटाफट से इसको अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए सो दैट वी कैन डिस्कस द आंसर, राइट. जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका. आई होप अभी तक आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा. इसका आंसर होना चाहिए रियरिंग ऑफ फिशेज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज पिसी कल्चर. ओके, सो आप लोग अपने स्पेलिंग्स को भी चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने सही स्पेलिंग टाइप करके लिखा है या नहीं. अगर आपने गलत स्पेलिंग लिखा है तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपका स्पेलिंग्स भी सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए. एंड क्योंकि आप गलत लिखेंगे तो गलत का याद रह जाएगा एंड गलत ही कंटिन्यूड रहेगा, हमेशा गलत स्पेलिंग ही लिखते रहेंगे. तो प्लीज़ वेन एवर यू आर रीडिंग अ टर्म, वेन एवर यू आर रीडिंग अ न्यू स्पेलिंग, तो बी श्योर कि आप हमेशा उसका स्पेलिंग सही लिखें. गलत स्पेलिंग अगर दिमाग में रह जाएगा तो गलत ही लिखेंगे. सो आंसर पिसी कल्चर है. इफ़ यू हैव रिटन पिसी कल्चर इज़ योर आंसर, देन योर आंसर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. फिशेज़ के रियरिंग को हम पिसी कल्चर कहते हैं, राइट. ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन नाउ. आई जस्ट राइट द क्वेश्चन फॉर यू. हेयर इज मेड अप ऑफ अ
protein named DASH. Hair is made up of a protein named DASH. जो हेयर होता है, हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं वो एक तरीके के प्रोटीन से बने हुए होते हैं. उस प्रोटीन का नाम आपको लिखना है ब्लैंक में, ठीक है. सो थिंक अबाउट व्हाट यू हैव रिटन, व्हाट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी अबाउट द हेयर प्रोटीन विच इज़ यूज टू मेक द हेयर स्ट्रैंड्स. एंड देन व्हेन यू रिमेंबर द नेम देन राइट डाउन द आंसर करेक्टली इन द कमेंट बॉक्स. Your spellings should be also correct. ठीक है, जल्दी से सोचिए इसका क्या आंसर आप लिखेंगे और सोचकर बताइए. ओके, आई होप अभी तक आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा. नाउ लेट इस डिस्कस द आंसर. यहाँ पर हेयर जिस प्रोटीन से बना हुआ है उसका नाम होगा केराटीन. ओके, उसको हम केराटीन बोलेंगे. एंड केराटीन का जो स्पेलिंग है वो है KERATIN. सो इफ यू हैव रिटन द स्पेलिंग, इफ यू हैव रिटन दिस वर्ड देन इट इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट. स्पेलिंग्स में गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है. राइट, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई जस्ट राइट द क्वेश्चन फॉर यू नाउ. इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन इज ऑप्शन ए ड्रिंकिंग ORS, वॉमिटिंग देन एक्सेसिव स्वेटिंग बोथ बी एंड सी. ओके, सो राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. विच आंसर डू यू थिंक, विच ऑप्शन डू यू थिंक शुड बी करेक्ट? कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का कारण आपको सोचकर समझकर सिलेक्ट करके सही जवाब लिखना है. अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए वहाँ पर कि आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए. ड्रिंकिंग ORS, क्या ORS पीने से डिहाइड्रेशन होता है? वॉमिटिंग करने से क्या डिहाइड्रेशन होता है? क्या एक्सेसिव स्वेटिंग से डिहाइड्रेशन होता है? या फिर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे आप, ऑप्शन बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन डी. तो देख लीजिए, व्हाट डू यू थिंक, विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? थिंक अबाउट दैट, राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स क्विकली. जल्दी से बताइए क्या आपका आंसर होगा. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर. इसका जो आंसर है वो होना चाहिए बोथ बी एंड सी. मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग के वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिटिंग के वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है. तो हमको तो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिसमें बी भी आ जाना चाहिए और सी भी आ जाना चाहिए, राइट. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. आपने अगर सिर्फ बी चुना है या सिर्फ सी चुना है तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एक नहीं चुन सकते हैं. मुझे ऐसा ऑप्शन चुनना है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उसमें बी भी इंक्लूडेड है, सी भी इंक्लूडेड है. ओके, ए तो कभी नहीं होगा. ड्रिंकिंग ORS मतलब ORS पीने से तो डिहाइड्रेशन ठीक होता है, दैट इज़ अ क्योर ऑफ डिहाइड्रेशन, राइट.
उससे हम डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, या डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उससे हम उभर सकते हैं. वी कैन रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन इफ़ वी ईट प्रॉपर काइंड ऑफ फूड एंड इफ वी ड्रिंक लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड ORS सॉल्यूशन, राइट. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, आई विल जस्ट राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. बी रेडी टू आंसर. Okay, it is a long type. One question that is a long type. Name the three R's of R's for nutrient preservation. ठीक है, नेम द थ्री आर्स फॉर न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन. तो न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन में हम लोग तीन आर का इस्तेमाल करते हैं, थ्री आर का यूज़ करते हैं, एंड एक तरीके का गाइडलाइन है कि हम लोग को न्यूट्रिएंट खाने में प्रिजर्व कर रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए इन तीन गाइडलाइंस का यूज़ करना चाहिए, इन तीन रूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे खाने में न्यूट्रिएंट प्रिजर्व्ड रहे, बचा हुआ रहे और न्यूट्रिएंट बाहर ना निकल जाए. ठीक है, सो वो तीन रूल्स क्या हैं जो आपने पढ़ा है, एंड उन तीनों रूल्स के बारे में, थ्री आर्स के बारे में आपको अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है. आई नो दिस इज़ नॉट अ ऑब्जेक्टिव वन, बट इफ यू कैन आंसर दिस देन यू मे आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. आई जस्ट गिव यू टाइम टू राइट डाउन. आपको टाइम लगेगा थोड़ा टाइप करने के लिए, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम. ओके, सो आप लिखिए आंसर, क्या लिखना है लिख सकते हैं. आई जस्ट गिव यू सम टाइम टू राइट डाउन द आंसर. ओके, आई होप अभी तक आप लोगों ने लिख लिया होगा इसका आंसर. तो चलिए डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट आर ऑफ न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन, जो पहला आर है न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन का, वो ये है दैट रिड्यूस द कुकिंग टाइम. खाना बनाने का जो समय है उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम टाइम में खाना पकाना सीखना चाहिए, जिससे कि हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टीमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग समथिंग वी कैन यूज़ शैलो फ्राइंग टेक्निक और स्टीमिंग और बॉइलिंग टेक्निक्स, जिसमें कि कम टाइम लगता है खाना बनाने में. ओके, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं. ज़्यादा देर अगर हम उसको हीट एनर्जी देते रहेंगे तो हो सकता है न्यूट्रिएंट्स वहाँ से फूड पार्टिकल से बाहर निकल जाए, है ना. राइट, सो दिस वॉज द फर्स्ट आर फॉर न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन. नाउ लेट अस राइट अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड आर. सो सेकेंड आर है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन कुकिंग. सो द सेकेंड आर इज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन कुकिंग. खाना बनाते टाइम जितने पानी का हम इस्तेमाल करते हैं उससे कम पानी का हमें यूज़ करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम पानी में ही खाना बनाएं. ओके, जिससे कि जो वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है खाने के अंदर, वो ज़्यादा पानी में अगर हम उसको पकाएंगे तो हो सकता है वो न्यूट्रिएंट्स पानी में ही वो बह जाएं या पानी में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएं. तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए दैट वी शुड कुक द फूड इन lesser and lesser amount of water as possible. So, ठीक है, so this was the second R for nutrient preservation. Now let us move to the third R of nutrient preservation. Third R is reduce the exposed surface area of the food
फूड का जो एरिया एक्सपोज्ड होता है उसको हमको कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम करें, उस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया को हमको रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए. दैट मीन्स वी शुड नॉट चॉप द वेजिटेबल्स वेरी फाइनली, जिससे कि अगर हम बहुत फाइन चॉपिंग करेंगे वेजिटेबल्स को, बहुत छोटे छोटे पीसेज में अगर हम कट करते हैं, तो वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और उसके अंदर प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट है वो डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है. तो इसलिए हमें बहुत फाइन चॉपिंग नहीं करना चाहिए वेजिटेबल्स को, या कोई भी फूड पार्टिकल को बहुत फाइन चॉपिंग नहीं करनी चाहिए. वी शुड ट्राई एंड डू मॉडरेट काइंड ऑफ चॉपिंग, और लार्ज चंक्स ऑफ फूड शुड बी यूज फॉर कुकिंग पर्पस, है ना, जिससे कि उसका जो सर्फेस एरिया है वो कम से कम एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा. ओके, सो दीज वर द थ्री आर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन. सो आई होप यू हैव रिटन दीज पॉइंट्स. अगर आपने ये सब पॉइंट्स लिखा है तो देन योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो चलिए अब हम लोग, ये एक लॉन्ग टाइप था, लॉन्ग आंसर टाइप था. वन ऑब्जेक्टिव अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू. सो बीच बीच में एक आध लॉन्ग आंसर टाइप भी देंगे, सो दैट उसका भी थोड़ा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव ही जाने और वही काफ़ी है, नहीं, आपको लॉन्ग आंसर टाइप भी लिखना आना चाहिए. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक में आपको बताना है दैट डैश हेल्प्स आवर स्किन टू प्रिपेयर विटामिन डी. ओके, आई होप नाउ द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली विजिबल टू यू. क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली देख सकते हैं तो मुझे फटाफट से जवाब बताइए कि आप इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या है जो हमारे स्किन को मदद करता है विटामिन डी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करने में. ठीक है, हमारे स्किन सेल्स में ऐसा क्या है, या स्किन सेल्स को ऐसा क्या मदद करता है जिससे कि हमारे स्किन सेल्स बहुत आराम से, इजीली, ऑटोमेटिकली खुद से विटामिन डी बना सकते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू राइट दैट इन द ब्लैंक एंड इन योर कमेंट सेक्शन. तो सोचिए कि आपको वहाँ क्या लिखना चाहिए. ठीक है, सो थिंक अबाउट दैट, बट यू शुड राइट. ओके, चलिए नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर. यहाँ पर जो आंसर है वो होना चाहिए सनलाइट. ओके, धूप. सनलाइट हेल्प्स आवर स्किन टू प्रिपेयर विटामिन डी. सनलाइट के कॉन्टैक्ट में जब हमारा स्किन आता है तो हमारा स्किन सेल्स उस सनलाइट को रिसीव करके ऑटोमेटिकली विटामिन डी प्रोड्यूस कर लेता है. इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन डी का जिसको डेफिशिएंसी है उसको धूप में बैठने की सलाह दी जाती है, और कहा जाता है दैट द पर्सन शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद सनलाइट एंड इट्स एंड द पर्सनस बॉडी शुड रिसीव सनलाइट, सो दैट पर्सन का जो बॉडी है वो खुद ब खुद विटामिन डी बनाएगा. पर्सन का जो स्किन सेल्स है वो ऑटोमेटिकली विटामिन डी प्रिपेयर करेगा खुद से. ठीक है, तो उसको बाहर से विटामिन डी खाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से विटामिन डी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू गिव यू अ मल्टीपल चॉइस नाउ. सो क्वेश्चन इज स्कर्वी कैन बी क्योर्ड इफ द पर्सन eats if the person eats meat, carrot, then cheese and citrus fruits. Okay, so I hope now the question is visible.
Scurvy can be cured if the person eats meat, carrot, cheese and citrus fruits. तो आपको यहाँ चार अलग अलग टाइप के फूड का ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा टाइप का फूड है जिसको खाने से इंसान को अगर स्कर्वी हुई है तो वो ठीक हो सकती है या कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती है. तो ऑप्शंस हैं मीट, कैरेट, चीज़ और सिट्रस फ्रूट. ठीक है, तो सोचिए कि इसमें आपको क्या लिखना चाहिए. व्हाट शुड यू राइट. What should you write as your answer for this question? Which option do you think should be correct here? So, सोचो और बताओ कि क्या जवाब होना चाहिए आपका. I hope अभी तक आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा. तो यहाँ पर जो आंसर है वो होना चाहिए citrus fruits, because citrus fruits contain vitamin C, right? And others do not contain that much of vitamin C as that compared to citrus fruits. So citrus fruits में सबसे ज़्यादा vitamin C present होता है. And scurvy is a deficiency disease which is caused due to lack of vitamin C. तो scurvy एक ऐसा deficiency disease है जो vitamin C के कमी के वजह से होता है. तो अगर vitamin C की कमी के वजह से scurvy होता है और हम vitamin C वाला कोई product consume करते हैं तो अगर हमें scurvy हुई है तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमने विटामिन सी की जो कमी है वो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. तो इसलिए सिट्रस फ्रूट्स कंज्यूम करने से स्कर्वी क्योर हो सकता है. एंड वेयर एज मीट में ज़्यादातर आपको प्रोटीन मिलेगा, है ना. एंड बाकी के विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, ये सारी चीज़ें आपको मीट में मिल सकती हैं. कैरेट में विटामिन ए होता है. देन उसी तरीके से चीज़ में ज़्यादातर आप फैट्स देखेंगे, विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स देखेंगे चीज़ में, लेकिन इन सब में विटामिन सी का उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है. तो इसलिए सिट्रस फ्रूट्स यहाँ सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा. तो अगर आपने ऑप्शन डी चूज़ किया है, सिट्रस फ्रूट्स, देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर यू ऑल. सो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. सो क्वेश्चन है, osteoporosis occurs in adults due to the deficiency of iron, sodium, calcium iodine. Okay, so I hope abhi aapko question dikh raha hoga. So the question is, osteoporosis occurs in adults due to the deficiency of iron, sodium, calcium, iodine. Osteoporosis adults mein किस मिनरल के डेफिशिएंसी के वजह से होता है? क्या डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, या डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? इनमें से कौन सा मिनरल है जिसको अगर कम मात्रा में कंज्यूम करेंगे या ना के बराबर कंजम्पशन होगा तो फिर किसी भी अडल्ट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? सोचिए और बताइए. ऑस्टियोपोरोसिस एक तरीके का बोन रिलेटेड डिजीज़ होता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़ रिलेटेड टू बोन्स, जिसमें कि बोन्स खोखले हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं, और उनके अंदर जो सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है बोन्स में वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है. ओके, सो कमज़ोर हो जाते हैं बोन्स. बेसिकली इट बिकम्स वेरी वीक एंड सॉफ्ट
इन नेचर. सो अडल्ट्स में जो कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ऑस्टियोपोरोसिस लाती है. तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए. सो इफ़ यू हैव रिटन द आंसर इज कैल्शियम देन योर आंसर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. सो यहाँ पर ऑप्शन सी कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर है. बाकी आयरन सोडियम आयोडीन अगर आपने लिखा है तो दैट इज़ नॉट करेक्ट. सो ऑस्टियोपोरोसिस डेफिशिएंसी डिजीज इज अ डिजीज रिलेटेड विद द लैक ऑफ कैल्शियम इन एन अडल्ट बॉडी. ओके, सो किसी भी अडल्ट के बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो एक बोन रिलेटेड डिजीज है. ओके, ऑल राइट, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ मल्टीपल चॉइस. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल helps in formation of hemoglobin. Okay, I'll just write the options for you. Sodium, iron, iodine एंड कैल्शियम. ओके, सो इनमें से कौन सा मिनरल है जो हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मदद करता है. सो इफ यू कैन नॉट सी द क्वेश्चन, आई होप नाउ द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली विजिबल टू यू. अब आप देखिए क्वेश्चन को अच्छे से एंड मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मदद करता है. जैसे कि सोडियम ऑप्शन में है, आयरन सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आयोडीन एंड फोर्थ ऑप्शन कैल्शियम. ठीक है, सोचिए और बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल वुड बी अ करेक्ट आंसर विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. ठीक है, हेमोग्लोबिन बनाने के लिए इनमें से कौन सा मिनरल ज़रूरत पड़ता है या मदद करता है. ठीक है, सोचिए या कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या आंसर लिखेंगे. ऑल राइट, ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर. यहाँ पर जो आंसर है वो होना चाहिए आयरन. आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. एंड व्हाट इज़ अ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन मींस इट इज़ अ रेड पिगमेंट दैट गिव्स द रेड कलर टू द ब्लड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. सो ब्लड का वो कॉम्पोनेंट जो ऑक्सीजन कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है वो हेमोग्लोबिन होता है. एंड हेमोग्लोबिन का एक और फंक्शन ये भी है कि वो एक रेड कलर का पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड अपीयर करने में मदद करता है. हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के वजह से होता है. ठीक है, एंड हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने में भी मदद करता है टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन respiration and each and every cell is doing respiration. Each and every cell needs oxygen to release energy from the food. So जो भी food हमारे cells में present है उस food से energy release करने के लिए oxygen चाहिए और उस oxygen को पहुँचाने वाला transport करने वाला कौन है? Hemoglobin है. और hemoglobin एक का काम ये भी है कि वो हमारे blood को red color provide करता है. Okay? सो आयोडीन कैल्शियम सोडियम इन ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होंगे. ऑप्शन सेकंड आयरन इज़ द करेक्ट आंसर. आयरन इज़ हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन फॉर यू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिजीज गॉइटर
ऑप्शन ए पर्सन कैनॉट सी इन डिम लाइट, सेकेंड इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द पर्सन वीकेंड्स, ओके द थायराइड ग्लैंड of the person enlarges, and last bones of the person weakens. ठीक है, सो आपको गॉइटर डिजीज़ के बारे में सोचना है और बताना है कि गॉइटर नाम की जो बीमारी होती है इसमें क्या पर्सन डिम लाइट में नहीं देख पाता है, क्या पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है हमारे बॉडी में, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है क्या वो कमज़ोर पड़ जाता है, या हमारे थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, क्या थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है मतलब थायराइड ग्लैंड क्या साइज़ में इंक्रीज हो जाता है, या फिर बोन्स वीक हो जाते हैं. तो गॉइटर में इनमें से कौन सा सिम्टम हम देखते हैं, इसमें से कौन सी चीज़ गॉइटर में एक्चुअली होती है, ये सोचकर आपको अपने कमेंट सेक्शन में मुझे सही जवाब लिखकर बताना है. दैट आउट ऑफ ए बी सी एंड डी विच ऑप्शन डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सोचिए और बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो आप गॉइटर में एक्चुअली होता हुआ देखते हैं. ठीक है, सो सोचिए क्या होना चाहिए आंसर, कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग गॉइटर. ऑल राइट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज सी, ऑप्शन सी. द थायराइड ग्लैंड ऑफ द पर्सन एनलार्जेस, जिसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है वो एक तरीके का हार्मोन रिलीज़ करता है, थायरोक्सिन हार्मोन. और यही थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है हमारे बॉडी में, यही थायराइड ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से हमारा नेक स्वेल दिखता है, स्वेलिंग हो जाती है नेक में, और इसी को एक तरीके का सिम्टम भी हम मानते हैं गॉइटर का. और गॉइटर की जो बीमारी है वो ज़्यादातर आयोडीन के डेफिशिएंसी के वजह से होती है, इसीलिए और भी एडवाइस किया जाता है कि हम लोग ज़्यादातर आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज़ करें खाने में, ताकि गॉइटर की जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो हमें ना हो. और अगर मैं पूछूं कि ये पर्सन हु कैनॉट सी इन डिम लाइट, ये किसका अगर सिम्टम है तो आप क्या बताएंगे, नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस में ये चीज़ होती है ना. एंड बोन्स ऑफ द पर्सन वीकेंस, ये ज़्यादातर हम रिकेट्स में देखते हैं, बेंड हो जाता है बोन्स एंड बोन्स वीक हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स दोनों में ये सिम्टम हम देखते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आई होप आज के क्लास के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आप लोगों ने कुछ गलत आंसर लिखा भी है तो कोई बात नहीं, वी कैन ऑलवेज ट्राई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, अगर रिवीजन कंटिन्यू करना होगा तो रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इफ़ वी हैव मोर टाइम लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम देन वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकेंड टर्म. ठीक है, देख लेते हैं, जैसा भी होगा आई एल जस्ट लेट यू नो एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सी वॉट कैन बी डन फॉर द नेक्स्ट क्लासेज. ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट वीक, टिल देन यू ऑल कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. थैंक यू एवरी वन फॉर अटेंडिंग टूडेज क्लास. And we'll meet next week. Okay? Thank you.